हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है न्यूटन और आज मैं एक डिफरेंट टाइप का वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं बताने वाला हूँ ऑन आर प्ले फ़ोन का कुछ खास फीचर्स के बारे में। मैंने रिसेंटली अपना फ़ोन को EMUI 9.1.0 में अपडेट किया था। EMUI 9.1.0 पिछले दो हफ्ते पहले। तो इसके खास फीचर्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को सेटिंग मेनू का जितना भी फीचर्स हैं उनको दिखा दूंगा, खास फीचर्स को। और उसके बाद मैं आप लोगों को कैमरा फीचर्स और AI फीचर्स के बारे में सब डिटेल्स में बोलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डिवाइस कनेक्टिविटी। यहाँ पे हुआवी शेयर जो है ये जेंडर की तरह काम करते हैं। ये मतलब हुआवी डिवाइसेस के अंदर रहता है, तो हुआवी फ़ोन दूसरा हुआवी फ़ोन के साथ आप शेयर कर सकते हैं कुछ भी फाइल्स। और एक है वायरलेस प्रोजेक्शन, इसके लिए वाईफाई चाहिए, तो आप टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद डिस्प्ले में वो फुल स्क्रीन डिस्प्ले का फीचर्स मिलता है। इसमें आप जितना भी एप्स है सपोर्ट करता है इसको, उसको इनेबल कीजिए और फुल व्यू का मज़ा लीजिए, ठीक है। और नॉच में आप नॉच को हाइड भी कर सकते हैं, ऐसे नॉच को हाइड का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। और डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड ये आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं साउंड पे नीचे की तरफ आप जाइए और देखिए हुआवी हिसेन साउंड इफेक्ट, इस पर आप गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो 3D ऑडियो है ना, इस पर आप रखिए और इसको ग्रैंड पे रखिए, तो जो जो लोग पबजी खेलते हैं उन लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये फीचर। ऑटो में भी रख सकते हैं, नेचुरल है, तो 3D में रखिए, मैं रिकमेंड करूँगा 3D में रखिए और ग्रैंड पे रखिए इसको, बहुत ही अच्छा साउंड आउटपुट देता है मतलब, ठीक है। और हेडसेट टाइप को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। तो उसके बाद आता है बैटरी में भी कुछ है यहाँ पे, परसेंटेज आपको कहाँ पे दिखाना है, इनसाइड ना आउटसाइड। तो पावर सेविंग मोड वगैरह है। उसके बाद डिजिटल बैलेंस, यहाँ पे आप कितना घंटा क्या ऐप यूज़ किया, मतलब कितना टाइम, उसको सब दिखाता है, लास्ट 7 डेज और 2 डे का। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है डिजिटल बैलेंस, जो कि एंड्रॉयड पाई का फीचर है। इसके बाद आते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आपको फेस रिकॉग्निशन भी दे सकते हैं आपका, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मतलब फिंगरप्रिंट जैसा ही काम करता है, बहुत एक्यूरेट है। इसको आप इनेबल कीजिए फेस आईडी, ये AI बेस्ड है तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद आता है पासवर्ड फॉल्ट, इस पर आप अपना पिन सेट कीजिए और ये जितना भी आपका पासवर्ड आप फिलअप करोगे, जितना भी वेबसाइट नहीं तो जितना भी एप्लीकेशन में, तो ये पासवर्ड्स को रिमेंबर करेगा। और अगर आप दोबारा उस पासवर्ड को कहीं पे लिखना हो तो आप डायरेक्टली ये इसके मदद से डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, मतलब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो फीचर है ऐप लॉक, ऐप लॉक तो ये तो आप लोगों को मालूम ही है, इनेबल करने से आप एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, उसको आप फेस आईडी नहीं तो फिंगरप्रिंट से खोल सकते हैं एप्लीकेशन को। उसके बाद होता है प्राइवेट स्पेस, ये सेकेंडरी स्पेस जैसा काम करता है आपका, मतलब प्राइवेट जितना भी डाटा है आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते तो आप इसको इनेबल कीजिए, ठीक है। उसके बाद सेफ मोड, सेफ मोड भी ऐसे ही सेम है, इसमें आप इमेज ऑडियो वीडियो और फाइल कुछ भी आप रख सकते हैं, मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ये। और इसका एक बहुत ही खास फीचर जिसको मैं मतलब पर्सनली बहुत ही मुझे अच्छा लगता है बहुत ही, वो फीचर है ये वाईफाई ब्रिज, जो आप देख सकते हैं ना सेकंड में वाईफाई ब्रिज। ये क्या करता है, आप साइमल्टेनियसली वाईफाई और हॉटस्पॉट, मतलब किसी हॉटस्पॉट से आप वाईफाई लेके उसको आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, मतलब सेम टाइम में। ये फीचर बहुत ही अच्छा है वाईफाई ब्रिज फीचर। उसके बाद स्मार्ट असिस्टेंट, इस पर एक्सेसिबिलिटी में बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि एडवांस्ड विजुअल्स ये सब ऑन रखिए, और हाई टच, ये हाई टच जो है ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसको ऑन रखिए आप, तो देखिए कैसा काम करता है। जैसे कि अमेज़न है, तो सपोज़ आपको इस क्या करना है,
किसी भी ऐसे पिक्चर्स के ऊपर दो फिंगर को एक साथ दबाना है तो ये काम करना शुरू कर देगा। इसका जो एआई है तो आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स के बारे में शो करेगा यहाँ पे, जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं तो इमेज है तो इसको शो करेगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है एक। उसके बाद वन हैंडेड मोड भी है जिसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं वन हैंड के लिए, ये भी अच्छा फीचर है। उसके बाद मोशन कंट्रोल, यहाँ पे आप फ्लिप टू म्यूट कर सकते हैं और फिर थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, इसको आप ऐसे थ्री फिंगर लगाने से स्क्रीनशॉट लेता है और इसमें क्लिक करने के बाद स्क्रॉल शॉट, यहाँ पे क्लिक करने से स्क्रॉल करेगा और आपका सेव हो जाएगा स्क्रीनशॉट, मतलब लॉन्ग स्क्रीनशॉट के लिए ये अच्छा है बहुत ये फीचर। और फिर हाई वॉइस, इसको आप गूगल असिस्टेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, पावर बटन को एक सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ता है लॉक स्क्रीन में। और मिस टच प्रिवेंशन, ये भी अच्छा फीचर है, तो पॉकेट में रखने से मतलब ये बहुत अच्छा काम करता है, मतलब आपका कोई भी टच नहीं काम करता है। मतलब ग्लोव मोड भी है तो ठंडे के दिन में यह काम आता है। इसके बाद जो फीचर है वो है सिस्टम नेविगेशन, इसमें यहाँ पे चार टाइप का नेविगेशन आप यूज़ कर सकते हैं। थ्री की नेविगेशन जिसपे आपका तीन बटन्स रहता है, सिंगल की नेविगेशन जो एंड्रॉयड पाई का फीचर है, और जेस्चर नेविगेशन, ये जेस्चर वाला मुझे सबसे बहुत पसंद है ये जेस्चर नेविगेशन। आप भी ट्राई कीजिए इसको, ऐसे लेफ्ट राइट स्वाइप करने से बैक जाता है और नीचे से स्वाइप करने से होम बटन में जाता है, और फिर ऐसे होल्ड करने से नीचे से ऊपर में होल्ड करने से रिसेंट एप्लीकेशन में आता है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। और एक फीचर है सिंपल मोड, इसमें सिंप्लीफाइड होता है, हो जाता है पूरा जितना लेआउट है आपका। और ऑनर प्ले का और एक खास फीचर जो है ऐप असिस्टेंट, ये यहाँ पे आप जितना भी आपका गेम्स है सबको ऐड कर लीजिए और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं गेम एक्सेलरेशन, इसको इनेबल रखिए, और अनइंटरप्टेड गेमिंग इसको भी इनेबल रख सकते थे। इसमें आपका कॉल तो आ जाएगा लेकिन मैसेज व्हाट्सएप मैसेज वगैरह नहीं आएगा, तो इसको इनेबल करके आप गेम को रन कीजिए तो गेम एक्सेलरेटेड भी होगा, मतलब बूस्टेड भी होगा और आपका डिस्टर्ब भी नहीं होगा पबजी वगैरह खेलने में। और इसका थ्री डॉट मेन्यू में जाइए और सेटिंग में जाइए तो आपको 4D स्मार्ट शॉक इसका फीचर मिलता है यहाँ पे। इसको इनेबल करने से आप, इसका सपोर्टेड ऐप एक ही है पबजी मोबाइल, तो आप पबजी में इसको इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। ये वाइब्रेट करता है गोली वगैरह मारने से, अच्छा ही लगता है लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ, आप ट्राई कीजिए इसको फीचर को 4D स्मार्ट शॉक। इस फ़ोन में लॉक स्क्रीन का फीचर भी है, आप अगर स्क्रीन लॉक करते हैं और पावर बटन को फिर से दबाते हैं तो आप क्या कीजिए, नीचे की तरफ से ऊपर खींचिए, स्लाइड कीजिए ऊपर, तो देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ गए। इसमें से फ्लैश लाइट है, फ्लैश लाइट डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं, और कैलकुलेटर है, हाई विजन भी है, उसके लिए आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, और टाइम लेप्स मतलब टाइमर है, टाइमर सेट कर सकते हैं, और फीचर्स है कई सारा, जैसे कि रिकॉर्ड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ये फीचर भी बहुत अच्छा काम करता है। और आपको लॉक स्क्रीन में आपका फुटस्टेप भी दिखाता है, कितना फुटस्टेप आप चले, तो उसके लिए सेटिंग में जाके इनेबल करना पड़ता है, लेकिन मैंने उस हेल्थ एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया था, अनइंस्टॉल कर दिया था, इसलिए मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगा, तो आप लोग उसको इनेबल कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। इस फ़ोन के गैलरी एप्लीकेशन में खास फीचर है एआई का, जैसे कि हाईलाइट रील, ये हाईलाइट रील बनाते हैं, मतलब आप अगर बहुत सारा फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें से एआई काम करके उसको अच्छा मूवी बना देते हैं, नहीं तो स्लाइड बनाते हैं, तो अच्छा लगता है वो भी, ये फीचर भी अच्छा लगता है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली बनाएगा, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप नहीं बना सकते, ये एआई ही काम करेगा। और यहाँ पे राइट साइड में डिस्कवर है, इसमें मतलब डिफरेंट फोल्डर बना के आपका ऑटोमेटिकली फ़ोटोज सेव होता है, जैसे कि फूड, लैंडस्केप, व्हीकल्स, डिफरेंट फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, उसके बाद उसमें फ़ोटोज़ डालता है ऑटोमेटिकली। इसका गैलरी का यही फीचर है, मतलब सब एआई काम करता है। और गैलरी का और एक फ़ीचर है, वीडियो को एआई के मदद से एडिट करता है, अगर आप वीडियो किसी भी वीडियो
पे जाके नीचे से ऊपर स्लाइड करेंगे तो यह पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट रील क्रिएट होगा, मतलब एक अच्छा वीडियो बना के देगा आप लोगों को, जैसे कि आपको दिखा रहा हो मूवी का स्टाइल से, मतलब आप चूज़ कर सकते हैं आपको कैसा टाइप का चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट मॉड्स है यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, आपको जो पसंद है उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैं बहुत काट काट किया है, तो बहुत सारा फीचर मिस भी गए होंगे। अभी नेक्स्ट में मैं कैमरा के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, उससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि अगर आपका फ़ोन में वोडाफोन नहीं तो किसी और सिम है तो यहाँ पे 4G ओनली का मोड नहीं रहता है पहले में, ऑनर प्ले नहीं तो किसी भी हुआवी डिवाइसेस में। तो देखिए यहाँ पे मेरे LTE ओनली मोड है और बहुत सारा मोड है, इसको मैंने कैसे इनेबल किया उसके लिए आपको हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। इस पर आप LTE ओनली मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 3G ओनली कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है ये फीचर, तो उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। इस फ़ोन के कैमरा में भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि लेफ़्ट साइड में जाने से आपको दिखेगा एपर्चर मोड, इससे आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा खींचने के बाद, मतलब डिफोकस कर देगा बैकग्राउंड, आपको तो पता ही है। और एयर लेंस, इससे आप बहुत सारा फनी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, बिल्ली का मुँह, कुत्ता का मुँह लगा के, मतलब मास्क लगा के। और फिर आता है पोर्ट्रेट में आपका मतलब पोर्ट्रेट लाइटिंग होता है, तो आप इसमें से लाइटिंग चूज़ कर सकते हैं, आपको कौन सा लाइटिंग चाहिए उस हिसाब से पोर्ट्रेट खींच सकते हैं अच्छे अच्छे लाइटिंग में। और फिर मोड सेटिंग्स में तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखेगा आपको, प्रो मोड, स्लो मोशन आपको 480 FPS तक मिलेगा, और नाइट मोड भी है, पेनारोमा, लाइट पेंटिंग, HDR, टाइम लैप्स, मूविंग पिक्चर फिल्टर, 3D पेनारोमा, और आर्टिस्ट मोड भी है, यहाँ पे आर्टिस्ट मोड देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है आर्ट, मतलब आर्ट की तरह दिखेगा फ़ोटो खींचने के बाद ये, जैसे कि पेंटर लोग पेंट करते हैं ना वैसे ही सेम। तो बहुत सारे फीचर्स है देख पा रहे हैं, तो सबको ट्राई कीजिए और लुफ्त उठाइए सबका, क्योंकि AI बेस्ट है सब। आपको आप अगर ऊपर का AI मोड इनेबल करेंगे तो कलर्स थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, और मतलब एक्सपोजर भी ऑयल बैलेंस होता है, लेकिन कलर थोड़ा ओवर सेचुरेशन हो जाता है, इसके लिए मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है फ़ोटो को, तो आपका मर्जी है आप अगर AI को ऑन रखें या ऑफ रखें, लेकिन अच्छा फीचर दिया है AI का। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आने वाले वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं गेम प्ले भी दिखाऊंगा, जैसे कि PUBG, Fortnite, ये सब साइबर हंटर गेम प्ले और फनी मोमेंट्स, मतलब बहुत सारा गेमिंग का ही होगा, गेमिंग रिलेटेड, तो सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई किसी का भी कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, बाय बाय।